व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट। तो पार्ट वन में हमने रिएक्ट कर दिया है, उनकी कहानी वहां तक पहुंच गई थी जहां पर वो उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने 10 रुपए चुराए थे और वहां से लेके आया था। तो देखते आगे का पॉडकास्ट, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कहते हैं कि आदमी जब संघर्ष करता है तो अकेला होता है, सफलता दुनिया खड़ी होती है। बहुत भीड़ है, लेकिन कई बार ये भी लोग कहते हैं कि बहुत सफल होता आदमी तो अकेला पड़ जाता। आप की लाइफ में बढ़िया है, खुश हो, संतुष्ट हो, या कुछ है अभी कमी कि इतना पॉपुलैरिटी के बाद भी कुछ ऐसा है जो रह गया है? आज आपसे बात करने के पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं भाई से क्या बात करूंगा, भाई मेरे से क्या पूछेगा। लेकिन वाकई में आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मैं हूं वो जरूर आज आपको बताऊंगा। एक सुपरस्टार, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं, मेरी जनता जानती है कि मैं क्या हूं। लोग यही सोचता है कि बाप रे बाप, बड़ी कमाता ये है, बड़ी राजभोगता, ऐसे ऐसे। बट सर, हर कोई ये नहीं भांप पाता है कि एक स्टार जो है वो है भीड़ में, बट अंदर से कितना अकेला है। सो हर बात नहीं, कुछ तो जरूर बोलूंगा, बट ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि एक गाना मैं मंच पे भी गा दिया था एक समय में, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो कोई समझता है कि ये कलाकार बहुत भीड़ में है, बहुत काम कर रहा है, बहुत बिजी है, बहुत कमा रहा है, बहुत राज भोग रहा है, बट सर वो कोई कोई नहीं जान पाता है कि वो अंदर से कितना अकेला है। सो मैं वो इंसान हूँ। बहुत सही बता रहे हैं, क्योंकि सफलता समझौता करवाती है, कीमत मांगती है। जब आप बहुत काम करते हैं तो आपकी कोई ना कोई जिंदगी सफर करती है, या तो आप प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल, हर आदमी शाहरुख खान नहीं होता कि दोनों बैलेंस कर ले जाए। अरे वाह, सही बात है। तो कई बार ये लगता है यार कि इतना सफल होने के बाद भी अगर सोचना पड़े कि मोबाइल से किसको कॉल करें, 100 कॉल आ रही है बट जिसको हम कॉल कर रहे हैं, या कुछ कभी आता है मन में ख्याल ऐसा कि ये बेबसी, ये गुस्सा, ये यार क्या चल रहा है, मतलब सब कुछ है फिर कुछ नहीं है? फोन तो बहुत आता है सर। वो तो फैन वाला हो गया ना, जो हमारे भगवान है। हाँ, ये बिल्कुल ये है कि आदमी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर ऐसे होते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर गर्लफ्रेंड का ही नंबर हो, वो किसी दोस्त का भी हो सकता है, वो परिवार में भी किसी सदस्य का हो सकता है। कि वो होता है कि वो नंबर में मान लीजिए बकचक हो गया, बातचीत बंद हो गया, बट होता है ना कि बहुत फोन आ रहा है बट लेकिन यार वो फोन नहीं आ रहा है, मैं नोटिफिकेशन अच्छा लगता है, हाँ, मैं ही कर लूँ क्या, फिर दब जाता है, फिर कट हो जाता है। तो ये है जिंदगी की एक, चलो मैं इसको घुमा के पूछता हूँ। अब मैंने कहीं साइकोलॉजी का पढ़ा था कि हर इंसान की जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 150 आदमी होते हैं जो उस पर असर डालते हैं, उसमें से 50 आदमी ऐसे होते हैं जो घर बुलाने लायक होते हैं, और आखिर में 5 आदमी ऐसे होते हैं जो उसके अपने होते हैं। वही 5 आदमी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका जिंदगी सफल है, और आपके पास वो 5 आदमी नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी में खालीपन, अकेलापन है, भरे क्या चीज होती है? पवन सिंह की जिंदगी में 5 लोग हैं। ये अच्छा था, गुड क्वेश्चन, जिस तरीके से पूछा इन्होंने। मेरी जिंदगी में सर बिल्कुल वो 5 लोग थे, थे बिल्कुल वो 5 लोग थे, आज नहीं है, उसके बाद भी आज भी मेरे पास 5 लोग हैं, अब इसे आगे नहीं बोलूंगा। गहरी बात है। मैं आपकी लाइफ पे और जाऊं, उससे पहले सवाल जिंदगी को लेकर और पूछ लेता हूं। आप हाँ गहराई में चले गया। पैसा क्या बदल देता है? पैसा सक्सेस क्या बदल देता है? पैसा लड़का जिसे नींद में उठा लेते चिट्ठा मार के, और आज ये लड़का जो जहां खड़ा होता है 10,000 आदमी खड़े होते हैं। पैसा से सर हम घर खरीद सकते हैं, पैसा से जमीन खरीद सकते हैं, दुनिया की जो भी चीजें हैं, जो पाके जो खुश होता है वो खरीद सकते हैं, बट पैसा से सर किस्मत नहीं खरीदा जा सकता है, पैसा से सम्मान को नहीं खरीदा जा सकता है। तो पैसा पैसा तो है, बट पैसा हर चीज नहीं हो सकता, मैं इतना जानता हूं। पवन सिंह की जिंदगी जब मैं एक पत्रकार के नजरिए से देखता हूं तो मुझे कई जगह निराशा भी नजर आती, लगता है कि फैंस ने खुदा बना दिया। लेकिन एक होता ना कि हमारी चॉइस ही है। जब मैं सियासत में देखता हूँ, आपका मन था 2-2 बार, आपको वहाँ पर धोखे मिले,
मैं इश्क में देखता हूँ, वहां पर भी आपकी जिंदगी हैप्पीनेस पे नहीं गई। टच करता है यार कि भगवान सब दे देते हैं फिर वो काला छींटा क्यों मार देते हैं? संघर्ष ही जीवन है, पॉइंट। इससे कभी किसी को हार नहीं मानना चाहिए, वो चाहे पवन सिंह हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। रही बात वो चीज जिंदगी में आने वाला है, कोई चीज जिंदगी में चल के आ रहा है, और चल के आ रहा है आने के लिए समय भी मांग रहा है कि मैं आना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। फिर वो चीज कैसे हट जाता है? पहुंचता तो हूं अपने जनता की कृपा से, मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंचूंगा ही, आज नहीं तो कल, वो इंसान के लिए इशारा काफी होता है। मैं कहीं और से बोल रहा हूं, ये तो जो है सो है, ये है, ओके है, एक और माइंड ब्लोइंग है, ऑसम, बट वहां भी जहां मुझे पहुंचना है, आज नहीं तो कल पहुंचूंगा जरूर। हाँ, परेशानियां आती हैं, आएंगी, आ रही हैं, परेशान करती हैं, बट सर आप सबकी दुआ से, वो जो मैं बोला ना कि मुझे जहां उस क्षेत्र में भी जहां मुझे जाना है मैं जाऊंगा। चलिए तो सियासत से शुरुआत करते हैं। आपकी जिंदगी को मैंने तीन हिस्सों में इस पॉडकास्ट में रखा है। हाँ। पहला हिस्सा मैंने सियासत का रखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा पवन सिंह का सियासत से मोह भंग हुआ, बीजेपी से मोह भंग हुआ, या अभी भी तमन्ना है कि नहीं, गिरना भी जरूरी है। जैसे शेर है ना कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता लगता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा। नहीं, गुस्सा देखिए हर किसी पे नहीं आता है। हम भी इंस्टाग्राम कभी खोलते हैं तो देखते हैं, कभी कभी चलता है, अनजान वर्ड भी कान में आता है कि आदमी गुस्सा उसी पे करता है जिसको खोना नहीं चाहता। हर किसी पे हम गुस्सा क्यों होंगे भाई? देखा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। पॉइंट। रास्ता चलू अगर कोई मुझे अपशब्द भी बोल देता, अरे भैया सॉरी, कोई बात माफ करिए, तो ओके मारते सीधे निकलिए प्यार में। लेकिन गुस्सा उसी पे आता है जिसको आदमी चाहता है, दिल से, दिमाग से। और जो आपने पूछा राजनीतिक बात ना, ये सवाल इसलिए पूछा मैं आपको टोक रहा हूँ, मैंने सुना था 2019 में भी शायद आपको प्रॉमिस किया गया था टिकट के लिए, और आपको बुला के कुछ लोगों ने, चार लोगों ने कहा कि आपको टिकट मिल रहा है, फिर आपसे छीन लिया गया। इस बार भी मेरे मनोज तिवारी जी आए थे पॉडकास्ट के, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा पावर स्टार का है नहीं, कहे टिकट दिलाए थे हमने, कहा तो पलायन करवा दिए थे आप बंगाल भेज के, बिहार का आदमी को बंगाल का पलायन करवा रहे हो, यहाँ बिहार में लड़ते हो कि पलायन हो रहा है दिल्ली, आप अपने स्टार को पलायन कर रहे हो। तो बोले यार हम तो दिलाए थे, वो नहीं लड़ा, लेकिन वो भी मान रहे थे कि आप स्टार बहुत बड़े। हमने पूछा सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो कहे आपका नाम लिए। तो फिर सवाल ये कि दो दो झटका आपको सियासत में उस पार्टी में लगा जहां आपने उम्मीद की थी, और बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि अगर आप बीजेपी से लड़े होते तो शायद आप जीत गए होते। मैं 2019 में सर एक गया था शो में दिल्ली, मुझे बुलाया गया पार्टी कार्यालय में, हम बोले यार इतना 1.5-2 kg कलर लगा है, होली का कार्यक्रम था, अरे चलिए ना आप आर्टिस्ट हैं, महाराज हीरो हैं आप, चलिए। तो हम गए तो रूम में चार जन बैठे थे, और उनका आदेश हुआ कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है सर, आप लोगों का जैसा आदेश। मुझे भी एक मन में खुशी हुई, 19 की बात है, क्योंकि वहीं में हमारे पापा नौकरी करते थे, और एक बड़ा अच्छा वहाँ पे पब्लिकली एक हवा उछला कि उसके पिता यहाँ नौकरी करते थे, वो लड़का यहीं जन्म लिया, आज यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो हम तो सर मन में बहुत ज़्यादा खुराफात चलता नहीं है, बहुत तामझाम नहीं सोचता हूँ मैं, सीधा सीधी चलना चाहता हूँ। हम आगे अपने एक मित्र के यहाँ, मैं वहीं रह गया 4-5 दिन, वेट किया कि टीवी पे जब मेरा नाम अनाउंस होगा, नाम भी टीवी पे चलने लगा, लेकिन मैं दो नाम चल रहा था। मैं सोचा कि जब सिंगल नाम अनाउंस हो जाएगा तो मैं गांव जाऊंगा, अपने माता जी का पैर छूऊंगा, फिर मैं कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर, 4-5 घंटे के अंदर देखा कि दूसरा नाम चलने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, चलो यार हटाओ कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हम कुछ सोचे चाहे ना सोचे, बट परिवार जरूर सोचता है मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, समाज जरूर सोचता है, भोजपुरी दुनिया जरूर सोचता है कि आखिर पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ। सर 2024 में मैंने अपने माँ से वादा किया कि मैं, अम्मा हम चुनाव लड़ब, ते चिंता मत कर, चाहे जैसे लड़ी जहां से लड़ी। दिल्ली में सर हमने बहुत सारा इंटरव्यू भी दिया कि सर मैं चुनाव तो लड़ूंगा, बट पार्टी कौन सी होगी ये तय नहीं है, स्थान कौन सा होगा ये तय नहीं है।
फिर हमको फोन आया पटना से, पवन जी हम लोग चाहते हैं कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है आसनसोल से। मैंने बोला भैया ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, रुक जाइए जरा, मैं अपने गार्जियन परिवार से थोड़ा सलाह ले लूँ तो आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा उनके बात किया वो उसी उस पे बहुत सारी बातें हुई। तो दो से तीन दिन के बाद मैंने बोला ठीक है भैया लड़ूंगा चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी सारी चर्चाएं भी शुरू हो गई, दीवार पे पेंटिंग भी शुरू हो गया, माताएं बहनें इतनी खुश हुई कि मेरा बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है। लेकिन नाम भी अनाउंस हो गया, आपने भी सुना होगा, लास्ट में ही नाम आया था आसनसोल पवन सिंह। मेरा एक छोटा भाई बोला पवन सिंह, हम लोग बहुत सारी खुशियाँ भी मनाए, एक खुशी की आंसू भी निकल गई आँख से। बट सर 24 घंटा के अंदर ही ऐसा माहौल बनाया गया, ये कौन सा मुद्दा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। समझने को तो समझता हूँ, गाने को लेकर बनाया था शायद, था क्या है, कहाँ से है, कैसे है, सब समझता हूँ। पॉलिटिक्स कौन है ये भी समझता हूँ, बट हर एक बात बोल नहीं सकता। पवन जी आपके गाना को लेके बड़ा यहाँ पे ये हो गया है, तो सुनिए ना, हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आप नाम बोल। मैंने बोला ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर, आज तक मैं शायद छुपा ही रहा था, बट आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कोई भी चीज ना सर खींच के नहीं पाना चाहता। आप ये कह रहे कि आपको आसनसोल से हटने के लिए कह दिया गया था? वही बात है कि मैं कोई चीज छीन के नहीं पाना चाहता। अब होता है ना कि 10 लोग खड़े हैं उसी में ठेलम ठेली होता गया, तनी हम आगे चल जाए, हम आगे चल जाए, जा भाई ते ही आगे, जो हम पीछे ही खुश बने। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है, ये परिवार है, आपके लिए हम लोग सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं सर खुशी खुशी वापस कर दिया। मतलब आपने इसलिए टिकट वापस नहीं किया था कि आपको वहां से नहीं लड़ना था, जो खबर फैलाई गई मीडिया में नहीं सर, कि आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता तो मैं हामी क्यों भरता, कोई प्रेशर तो था नहीं। आइए गाना का मुद्दा ये बताइए, आप ही बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद अपने मुंह से बोले कि हम भी अपने फिल्मों में डकैती किए हैं, तो क्या मैं डकैत हूं? पॉइंट बहुत सही। बिहार से बंगाल का सदियों पुराना रिश्ता रहा है, बिहारी लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होकर 100 में 90 इंसान बंगाल ही जाता है कमाने के लिए। तो जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, ये मैंने गाना गाया, ये कवि का भाव है जो एक कलाकार गाया है, कंपनी रिलीज किया, इसका चुनाव से क्या लेना देना है? लेकिन बेबी बियर मनोज जी का रिमोट से लहंगा, किशन जी का, निरहुआ जी का, ये सब तो चुनाव लड़ रहे थे, ये भी सब तो भोजपुरी से आते हैं, तो पवन सिंह के गाने में फिर क्या दिक्कत हो गया? तो माहौल से बना देते ना कई बार, बस वही बात है ना, मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं गोरिया बंगाल के दगा दे गई, ऊपर वाली बगल वाली, नहीं वो तो अलग बात है, ये मुद्दा था कि मैं बंगाल पे गाना गाया, मैं बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करता। मनोज भैया भी गाए हैं वैसे तो, मुद्दा ये हो गया था मेरे गाने को लेकर। मैंने बोला ठीक है सर, बट जब मैं देखा कि वो भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, मैंने बोला बचा क्या यार। इसके बावजूद भी सर मुझे ऑफर की कमी नहीं थी, पवन जी कहाँ से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? मैंने बोला नहीं सर, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों ने शेयर किया कि भैया आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों? आरा के बगल में ही है सर काराकाट, सटा हुआ ही बोल सकते हैं। बोले सर कि भैया यही एक आपके गांव के इर्द गिर्द में यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे सब लोग अपना काम साधने के लिए आते हैं, कामयाबी पाने के बाद यहां फिर कोई मुड़ के देखता नहीं है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला ठीक डन, मैं यहीं से लड़ूंगा। आज हमारी जनता के आशीर्वाद से जब काराकाट से चुनाव पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहा था तो चर्चाएं कितनी थी, हवा कैसा था, ना ये आपसे छुपा है, ना हमारी जनता से छुपा है, ना
ये चीज़ें तो देखो पॉलिटिक्स तो होती है, हर जगह होती है पॉलिटिक्स, पार्टी जो पार्टीज होती है वो पॉलिटिक्स खेलती है दूसरों के साथ, लेकिन वो पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स हो जाती है और बहुत चीज़ होती है। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं खटकी, एक कलाकार है वो गाने गा रहा है, एक मैं एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ बादशाह एग्जांपल, वो क्या करता है रैप करता है, कमर्शियल गाने गाता है, ठीक है, और कई बार ऐसे गाने भी आते हैं जिसमें डिस भी होता है, हर एक चीज़ होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपने पार्ट प्ले कर रहा है। जैसे कि आप देखो गाने गाते हैं तो बहुत कल्चर्स है, बाहर भी है इंडिया में भी है, तो गाने गाते हैं वो, लेकिन वो कई बार क्या होता है कभी किसी को कोई सेंटीमेंट हर्ट कर जाता है तो वहाँ के लोग FIR कर देते हैं उसके ऊपर, कभी किसी का सेंटीमेंट हट जाता है तो वह FIR कर देते हैं, लेकिन उससे तो फिर कलाकार भी कई बार ऐसा होता है यार लिखूँ क्या गाऊँ क्या, क्योंकि पवन सिंह ने जब गाने गाने शुरू करे होंगे, जब उन्होंने एक्ट करना शुरू किया, उन्होंने सोचा ना कि पॉलिटिक्स में भी उतरेंगे। तो आज एक इंसान अपने आप को एक और फील्ड में डाइवर्सिफाई कर रहा होता है तो फिर वो उठा के लेना कि इसने गाने गाए हैं वो चीज़ गाने गाया है, तो एक बार बता दो मेरे को आप, तो ऐसे तो ऐसे ऐसे रोल पिक्चरों में या हीरोइंस ने भी किए हुए हैं। अभी एनिमल जैसे आई थी फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अब ये थोड़ी है वो रियल में ऐसा है कि भाई ये सब कर रहा है, उस पूरी मूवी में एक बात बताओ इतना क्राइम हुआ पुलिस नहीं थी, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई है ही नहीं वहाँ, यही चीज आ जाती है कि गाड़ी आप एक एंटरटेनमेंट की चीज को अलग लो, ऐसा तो फिर कल को उठ के ये भी कह देंगे कि ये जो है ये उस पिक्चर में थे जिस पिक्चर में एक महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म दिखाया था, भाई वो एक पिक्चर है एक स्क्रिप्ट पे चल रही है, वैसे ये गाने गा रहे लिरिकली गा रहे लिरिक्स पे गा रहे, तो मुझे लगता है कि उनको अब जरूरत मतलब जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी यार लोग इतना प्यार करते हैं, तो लेकिन अगर उनका है कई बार एक वो होते ना कि भाई मुझे अब करके दिखाना पॉलिटिक्स में भी, तो वो चीज़ है। और बाकी इंटरेस्टिंग है, मतलब जब आप सुन रहे हो ना आप इमेजिन भी करते हो लाइफ कैसे चल रही होगी, जब उन्होंने बताया मीटिंग में बैठे थे चार लोग बैठे थे उन्होंने इस तरीके से पॉइंटर का और वो चीज़, और यार देखो पॉलिटिक्स तो बहुत वैसी चीज़ है, अब मैं वो वाला वर्ड यूज़ नहीं करूँगा नहीं तो आप समझ गए, पॉलिटिक्स बड़ी ये चीज है जिसके अंदर भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको किसी ने आपस में ठगा नहीं, ये चीज है। और पॉलिटिक्स में आपको क्या बोलते, देखो दो कदम आगे चलना पड़ता है, आपको ये नहीं पता कि आज रात को क्या डिसीजन और कल ही पॉलिटिक्स में वही लोग आपके खिलाफ कैसे चल जाएंगे, तो वही वाली बात है भैया पॉलिटिक्स चमकानी पड़ती है, एक दूसरे आपस में लगे रहते हैं होड़ में, और ये भी एक माहौल क्रिएट कर जाता है सोशल मीडिया पे आजकल, आपने सोशल मीडिया की पावर की लोग चाहे नेगेटिव करके किसी को बाहर कर रहा हो, तो वही उन्होंने बोला कि रातों रात इस ऐसा वो माहौल बना दिया गाना ये गाना वो, तो ऐसे गाने गाते हैं वो चीज। इंटरेस्टिंग मोड पर है पॉडकास्ट, अब नेक्स्ट पार्ट पर भी जल्दी रेट करेंगे, और मस्त ये लगता है कि जिस अंदाज में वो कई बार शुभांकर मिश्रा सर बात घुमा के और फिर वो टिपिकल एक जर्नलिस्ट वाले वो जिस तरीके से वो लेके आते हैं, और फिर इंसान भी सोचता है यार जैसे वो पांच लोगों वाली बात कही थी उन्होंने कि अब है तेरे पांच थे लेकिन पांच अब और भी हैं, इंटरेस्टिंग, और जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।